तो हमारे पास ये एक फैन है, आप इसे कूलर फिट भी बोल सकते हो। तो इसमें रेगुलेटर कैसे कनेक्ट करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये कूलर रेगुलेटर है, इसका क्या काम है, फैन को तेज मंदा चलाने का इसका काम है। आप फैन को तेज भी कर सकते हो, मंदा भी। तो हमारा ये फैन रखा हुआ है, इसकी ये दो वायर निकली हुई है। तो इसकी दोनों वायर में से एक वायर लेनी है, कोई सी भी ले सकते हो आप, ये या ये। इसमें हमारा जो ये कूलर रेगुलेटर की वायर है, इसका एक वायर हमें छील लेना है और इससे कनेक्ट कर देना है। कोई सी वायर में कर सकते हो आप, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो चुका है, फैन मंदा करते हो आप, तेज चलाते हो तो सर्दी लगती है, मंदा आप कर नहीं पाते हो, और अगर फैन नहीं चलाते हो तो आपको गर्मी लगती है। तो इस कंडीशन में आपने फैन रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास ये कूलर रेगुलेटर है। अब ये वायर हमारा बच गया मेन सप्लाई के लिए। तो हमारे पास ये मेन सप्लाई है दो वायर, इसमें से एक वायर लेके हमें पंखे की वायर में कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से। ये आप देख सकते हो, ये पंखे की एक वायर हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दी, दूसरी वायर यहाँ से ये बच गया। तो दूसरा जो हमारा वायर है वो हमें यहाँ पे लगा देना है। तो इस प्रकार से आप कूलर रेगुलेटर कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इसको चलाकर भी दिखाऊंगा। ये मैंने यहाँ अपना फैन रख लिया है, यहाँ पर रखने के बाद ये मैंने सप्लाई में लगा दिया है। अब हमारा सप्लाई उधर से चालू है। तो ये हमारा कूलर रेगुलेटर है, ये आपको ऐसे घुमाना है। ये हमारा फैन देखो, आराम आराम से ऑन होगा। इसमें रेस टाइप में दिया हुआ है, तो आप इसको जितना घुमाओगे उतना ये तेज़ होने लगेगा, ये फुल तेज़ हो गया। अगर आपको ये मंदा करना है तो ये मंदा हो गया। अगर आप इसको फुल चला देते हो तो आप फैन की आवाज़ सुन सकते हो, ये हमारा फुल तेज़ हो गया। तो इस प्रकार से आप मंदा तेज़ इससे कर सकते हो। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।